अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक हो। दोस्तों न्यू अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों UFT जो प्रो डोंगल है, इसकी नई अपडेट आई है 4.8.7 इज रिलीज, और सैमसंग क्वालकॉम मॉडल जो है इसमें FRP और फैक्ट्री रजिस्टर्ड इसमें ऐड किया है। दोस्तों आगे चलेंगे, दोस्तों ये देखें इसकी नई अपडेट आई है दोस्तों ये, और इसमें दोस्तों ये सैमसंग के जो हैं, अगर आपने इसकी ट्रांसलेट डिवाइस करनी है इसको, तो एंड्रॉयड इसका 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, 2024 और 25 विदाउट थीम। तो दोस्तों ये आपके सामने है इसकी, और क्वालकॉम की अपडेट है दोस्तों इसमें है, एडेड जो क्वालकॉम मॉडल्स जो हैं सैमसंग V2 में शामिल किए गए हैं दोस्तों, इसमें ये मॉडल हैं इसके, इसको आप FRP फैक्ट्री सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मॉडल हैं इसके, और उसको दोस्तों इसके बाद जो है ये इसकी जो अपडेट है वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो MTK है दोस्तों, इसमें न्यू डिज़ाइन एंड ईजी मेन्यू है इसमें, और इसमें दोस्तों जो अगर आपने इसको बी रूम जो है इसमें विदाउट के टेस्ट पॉइंट के करना है तो दोस्तों ये इसका मेथड है। तो इसके बाद दोस्तों आप इसमें से जो है हवावे की जो है वो राइट कर सकते हैं अपडेट AWP ऐप में दोस्तों, फ्रेमवेयर में, और दोस्तों टार जो सैमसंग को अगर फ्लैश करना हो, राइट करना हो दोस्तों, तो उसके लिए टार पहले इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह ओप्पो रियलमी OFP जो फाइल होती है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और राइट जो है UMC डंप फ्रेम बेस इसमें कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद जो है इसमें जो दोस्तों यहाँ पर ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है इसमें जो इसमें सेट हैं ये देखें, प्रोटोकॉल फॉर MTK V6 में शामिल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है ये जो मेजर टेक की डिवाइस है दोस्तों, उसको आप रीजनल फो कर सकते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं, फार्मेट FRP और फ्री होथ जो है उसके जो तीन कंपनीज हैं दोस्तों, टेक्नो, इनफ्लिक्स और आईटेल दोस्तों, ये इसको जो स्पोर्ट मॉडल जो है ऑन V6 में प्रोटोकॉल में इनफ्लिक्स और टेक्नो को शामिल किया गया दोस्तों। दोस्तों और दूसरा दोस्तों इसमें एड रिपेयर जो IME जो है दोस्तों EI गैनरिक में दोस्तों, उसको आप इसमें कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें रिपेयर नेटवर्क स्कूटी भी जो है 2020 और 2021 कर सकते हैं इसमें दोस्तों, और नेटवर्क स्कूटी जो है वो 22 बेस में कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें ऐड जो रीड जो है IME भी आई कर सकते हैं IME। तो दोस्तों इसमें अच्छी अपडेट है, और बाकी ये अपडेट इसमें आई है दोस्तों। तो इसमें अपडेट गैनरिक जो है MTK V5 और अपडेट जो है गैनरिक MTK 2023 इसमें शामिल किए गए, एड मीडिया मेटा जो रीड है इनफो आर CPU इसमें मीडिया के मीडिया टैप के जो है शामिल किए गए दोस्तों, और इसमें आप एडिट जो है मेटा जो है फैक्ट्री रीसेट आर MTK कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एड मेटा जो है इसमें फैक्ट्री सेट आप दोस्तों कर सकते हैं, ये की पैड के सेट होते हैं उसमें, ये CPU लगा होता है MT 6261 होता है, 6260 हो गए इस तरह के इसमें मॉडल होते हैं दोस्तों, वो CPU होते हैं। और दोस्तों इसके बाद एड जो है मेटा रिपेयर में दोस्तों आप IME VI जो है आल MTK CPU इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ऐड जो इसमें एडिट किया गया दोस्तों इन मेटा जो है मोड आप इनफ्लिक्स जो टेक्नो आईटेल के जो मॉडल हैं मीडिया टेक के,
आर मॉडल जो है विदाउट विद ऑथ के आप कर सकते हैं एट इसमें एम टी के पड़ी लोडर भी दोस्तों है। इस तरह दोस्तों जो इसमें रीड इनफो भी है और दोस्तों एड मेटा फैक्ट्री सेट में ड्रैक्ट जो है इसमें इनफ्लिक्स टेक्नो आईटेल के मॉडल हैं दोस्तों। और इसमें आप ऐड इनेबल डिसेबल बैकअप भी इसमें ऐड है और इसमें दोस्तों डायरेक्ट जो है ना आप इसको फैक्ट्री सेट भी कर सकते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स और टेक्नो और आईटेल के मॉडल को दोस्तों। ये एसपीडी के हैं तो एसपीडी की भी अपडेट आती रहती है, अभी इसमें कोई नहीं आई। तो उसके बाद दोस्तों ये सैमसंग के हैं मॉडल हैं, इसमें आप जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एडीबी मोड में करके। एंड्रॉयड 13 में है आप तो 13, 14, 15 तक ट्रांसलेट अप कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वालकॉम है, इसकी भी अपडेट आई हुई है जो आपको मैंने पहले बताई है। उसके बाद एप्पल हो गया, उसकी भी अपडेट पहले के इसमें और प्रोक्सी की भी की और अपडेट इसमें रीड राइट आप फ्लैश कर सकते हैं फैक्ट्री एफ आर भी दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आप जाके ये देखें, मैं भी क्लिक करता हूँ ईएफटी लोंगल पर, तो यहाँ से आप इसका जो है यहाँ से easypremier.com पे जाके दोस्तों आपने यहाँ से इसका जो ये तीन साइटें हैं ईएफटी से भी और गूगल ड्राइव से और मेगा से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ दोस्तों। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, इसको मैं बैक करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ई एफ टी ये है तो हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों, ये इसको यस करेंगे, जो इसकी नई अपडेट है दोस्तों उसको देखेंगे उसके में क्या जो है फीचर है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। ये देखें दोस्तों ये इसकी नई अपडेट जो आई है ये है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर जो ऑटो यहाँ पर एक ये देखें ये एक फ़ोन सा बना हुआ आ गया, आप केबल इधर ही लगाएं तो इसमें दोस्तों ऑटो कनेक्ट होता है एम टी के एस पी डी और क्वालकॉम के इसमें जो है सपोर्ट है और बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। मैंने काफ़ी सारे इसमें फ़ोन जो किए हैं। तो दोस्तों इसमें अब आप अगर मीडिया टैग कोई नहीं भी यहाँ होता तो दोस्तों आप इधर से इसके टैब में जाके यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें ये अगर आपने यहाँ पर जाना है दोस्तों, यहाँ पर जाके देखें ये काफ़ी सारी कंपनियाँ इसकी जो कंपनीज हैं वो इसमें हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये हवावे को हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ इसका हवावे का जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो हवावे के एम टी के फ़ोन है दोस्तों वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह जो है इसमें हम इन्फिनिक्स को देख लेते हैं तो इन्फिनिक्स के मॉडल भी दोस्तों इस तरह हैं। ये देखें यहाँ पर जो है आप सर्विस पे करके दोस्तों यहाँ पर इसके जो चेक लगा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टेक्नो इन्फिनिक्स के जो मॉडल हैं दोस्तों, आप यहाँ पर इसको स्टार्ट पे करेंगे तो यहाँ पर जो वाइप फ्यूजर डाटा है एफ आर पी है टेक्नो और इन्फिनिक्स के सेट जो है यहाँ पर आप दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल चलेगी। तो ये आपका जो फ़ोन है उसका जो एफ आर पी है या पैटर्न है पासवर्ड है वो डिलीट हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और दोस्तों इसमें से कोई एरर नहीं आता। हालांकि हम यू एम टी पे करते हैं तो वहाँ पर जैसे हम अगर इन्फिनिक्स है या टेक्नो है तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं जब इसका लोगो या टेक्नो या दोस्तों इन्फिनिक्स का जो है लोगो जब आता है तो वहाँ पर दोस्तों इसकी कुछ एरर आता है, तो इसमें एरर नहीं आता दोस्तों। इसकी खासियत ये है कि ई एफ टी में एरर नहीं आता, मैंने किए हैं वहाँ से सेट किए हैं यू एम टी से तो
वहाँ पर एरर देते हैं, यहाँ पर एरर नहीं देते। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको रीड फ्लैश भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके काफ़ी सारे दोस्तों मैं दिखाता हूँ इंफिनिक्स के, इसमें काफ़ी सारे जो इसमें मॉडल हैं वो मौजूद हैं दोस्तों। ये देखें अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इसमें अच्छे खासे जो मॉडल हैं वो इंफिनिक्स के मौजूद हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों हम अब जाएंगे थोड़ा चेक कर लेते हैं ऐसे, तो हम नोकिया को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये नोकिया है तो नोकिया को चेक कर लेते हैं, इसके एमटी के मॉडल कुछ हैं तो ये इसके मॉडल हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके में ओप्पो हो गया तो ओप्पो को चेक कर लेते हैं। ये देखें ये ओप्पो के मॉडल इसमें हैं, ऐड हैं, ये देखें ये इसमें अच्छे खासे मॉडल हैं ओप्पो के एमटी के मीडियाटेक प्रोसेसर के दोस्तों। ऐसे रियलमी हो गया तो इसमें रियलमी देख लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक है। तो इस तरह इसमें दोस्तों अब हम सैमसंग के देख लेते हैं, तो वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसके मॉडल होंगे दोस्तों। ये देखें इसमें सैमसंग के जो दोस्तों इसमें मॉडल हैं उसमें, तो ये देख लें इसमें ये इसमें मौजूद है। इसमें आप इधर से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे आगे, तो हम टेक्नो को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों चेक लगाएंगे और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं सिलेक्ट मॉडल में। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, ये देखें यहाँ पर इसके अच्छे खासे मॉडल टेक्नो के जो हैं वो इसमें आए हुए हैं। ये देखें यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों ये, तो आपने कुछ नहीं करना दोस्तों। ये वाइप यूजर डाटा है, आप यहाँ पर इसको स्टार्ट पे अगर करेंगे तो इसका जो पैटर्न लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जो बाईपास गूगल बाईपास है वो लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपने जैसे वो आपका जो है पैटर्न हट जाएगा दोस्तों, इसको बाईपास लगेगा लग जाएगा, तो उस दोस्तों आपने रिमूव कैसे करना है रीएस रीसेट एफआरपी लॉक के साथ दोस्तों। फिर स्टार्ट पे देना है और यूएसबी केबल लगा देनी है। अगर आपने इसका जो है वाले बटन ना भी प्रेस करें दोस्तों तो आप केबल लगा दें तो आपका सेट बूट कर जाएगा। अगर आपने वाले अप डाउन प्रेस भी कर दें तो फिर भी बूट कर जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अब हम जाते हैं वीवो को चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखें वीवो के मॉडल हैं जो एम टी के में है दोस्तों, इसमें अच्छे खासे हैं, तो इसको आप चेक कर लें। यहाँ मीडिया टेक के जो हैं इसमें 2023 आया हुआ है, इस तरह के काफ़ी सारे इसमें हैं फरीद के साथ दोस्तों। ये देखें इसमें काफ़ी सारे मॉडल हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। तो वैसे ही है, यहाँ से आपने इसको यहाँ पर चेक लगाना है, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वाइप एफ आर पी और यूजर डाटा पैच और इस तरह पार्टीशन जो है इसकी, यहाँ आपने चेक कर लेना है दोस्तों। ये देखें यहाँ पर इसके डिसेबल जो है ये लॉक वगैरह लिखे हुए हैं, आपने अगर इसको रिमूव करना है दोस्तों तो आपने सिर्फ इधर ही चेक लगाना है और स्टार्ट कर पे प्रेस करना है या क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका जो पासवर्ड है या पैटर्न है एफ आर पी है रिमूव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह ये जो है अपडेट थी कुछ दोस्तों, इस तरह शॉमी के भी सेट हैं इसमें, चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों इसमें सेट हैं शॉमी के जो आए हुए हैं। इस तरह दोस्तों जो कॉलकॉम के है, कॉलकॉम की वैसे भी अपडेट आई है इसमें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके कॉलकॉम की, आप ऑनर के सेट हैं ऑनर के सेट को चेक कर लें यहाँ पर हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें हवावे के भी देख लेते हैं, ये देखें हवावे के जो मीडिया टेक में हैं दोस्तों यहाँ पर हैं क्वालकॉम के। और दोस्तों उसके बाद जो है एलजी हो गया, एलटी हो गया, नोकिया को चेक कर लेते हैं जो क्वालकॉम सीपीयू में है दोस्तों, यहाँ पर इसके अपडेट है। और दोस्तों इसके बाद जो है हम चलेंगे वन प्लस को देख लेते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों इसमें भी अच्छे खासे इसके मॉडल हैं दोस्तों। तो
तो उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, ओप्पो में आ जाते हैं। तो ओप्पो में दोस्तों ये देखें, इसमें भी मॉडल हैं जो है ओप्पो A11s से लेके दोस्तों ये देख नीचे तक जाएं तो इसके अच्छे खासे इसमें मॉडल ऐड हैं दोस्तों। तो इस तरह अब दोस्तों हम चलते हैं रियलमी में, तो रियलमी को भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी मॉडल हैं दोस्तों। तो इस तरह इसमें सैमसंग में जाएंगे तो इसके तो वैसे अपडेट इसमें है दोस्तों, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें अच्छे खासे मॉडल हैं दोस्तों, ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये देखें ये अच्छे खासे इसमें मॉडल हैं दोस्तों, आप इसको चेक कर सकें। ये देखें इसमें जो मॉडल हैं अपडेट आई हुई है वो इसके अंदर ही है, ये देखें दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें सैमसंग के बाद इसमें जो है शार्प के मॉडल देख लेते हैं, ये भी कुछ सेट कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इसमें सेट इसमें दोस्तों आए हुए हैं तो इसमें से भी कुछ सेट हो जाते हैं इसमें से। और वीवो को देख लेते हैं दोस्तों, ये वीवो है तो ये क्वालकॉम के इसमें सीपीयू लगा हुआ है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखें ये दोस्तों हो गया, इसमें मॉडल ऐड है। और इस तरह दोस्तों ये भी दोस्तों इसी तरह है, वीवो का मॉडल सेलेक्ट करें या ना करें ऑटो हो जाए तो दोस्तों ऑटो पे करके ऐसे ही तो वाइप और यूजर डेटा जो है वो इसका इंशाल्लाह इधर से जो है एफ आर पी है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पावर अप डाउन या टेस्ट पॉइंट होंगे तो उसके ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वीवो के बाद जाते हैं दोस्तों आगे, शाओमी के सेट हैं तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, अच्छे सेट हैं ये भी आज के दिन के भी अपडेट अच्छे खासे मार्केट में आई हुई हैं, सेट ये अपडेट आई हुई है इसमें दोस्तों। ये देखें ये काफ़ी सारे इसमें सेट मौजूद है इसमें, और दोस्तों इस तरह इसमें अच्छी अपडेट है। तो इसके बाद SPD को देख लेते हैं थोड़ी तफसील के साथ, कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें थोड़ा तफसील के साथ बताएँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें दोस्तों इसमें ये जो इसके में चिपें दी गई हैं आप इधर सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ये भी है जैसे इधर चेक लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो पे रहने देते हैं तो खुद बखुद ही हो जाएगा दोस्तों। ये देखें तो इस तरह है दोस्तों, और यहाँ पर इसको आप दोस्तों इन्फो भी इसके ले सकते हैं, रीड इन्फो और फैक्ट्री सेट FRP भी इसका रिमूव कर सकते हैं, और MDM जो लॉक है रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, नेटवर्क भी अनलॉक कर सकते हैं, उसमें अनलॉक बूट लोडर भी है, और दोस्तों इसमें जो है आप IME रिपेयर कर सकते हैं, चेक करा देता हूँ दोस्तों। ये देखें यहाँ से इसका IME रिपेयर कर सकते हैं SPD में जो हो। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं देखते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों, अब ये इसमें कह नहीं रहे कि मैं SPD V1 है और V2 दोस्तों इसमें है, तो ये डैक मोड में भी है दोस्तों, यहाँ पर ये डैक मोड में है, यहाँ से भी आप इसकी मेथड है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से भी है दोस्तों ओल्ड मोड है, और ये SPD ओल्ड है और SPD डैक है इसमें, और ये न्यू है दोस्तों, आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें इसके मॉडल दिए गए हैं कुछ, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हम किसी को भी लेते हैं, हम Airtel को लेते हैं, कुछ सेट इसके हैं काफ़ी सारे, ये देखें दोस्तों ये Airtel के सेट दिए गए हैं इसमें। इस तरह दोस्तों इसमें इन्फ्लेक्स को देख लेते हैं तो इसका कुछ मॉडल ज़रूर होंगे, ये देखें दोस्तों इस तरह दोस्तों ये देखें इसमें हैं मॉडल दिए हुए, और इसमें कुछ रियलमी के मोबाइल के सैमसंग के जो हैं फ़ोन इसमें ऐड हैं दोस्तों, ये देखें। और इसमें दोस्तों रियलमी को देख लेते हैं तो इसमें एक सेट इसमें है दोस्तों रियलमी CA जो 11 है 2021 जो है इसमें है दोस्तों, RMX 3231 इसमें है दोस्तों ऐड है। इस तरह दोस्तों सैमसंग को देख लेते हैं तो इसके भी मॉडल इसमें ऐड हैं, पहले दिखाया है आपको मैंने, तो इसमें टेक्नो को देख लेते हैं दोस्तों, कुछ मॉडल इसमें टेक्नो के ही आते हैं तो ये हैं दोस्तों इसमें टेक्नो के मॉडल। और दोस्तों इसमें जो है बस यही है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों अब
इंशाल्लाह जो नई वीडियो होगी उसमें मिल देंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज हमारी आज की वीडियो दोस्तों, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी नई अपडेट होगी उसमें मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।